दोस्तों, अगर आप भी टर्बो मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टर्बो मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजिम से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 23 मई 2024 में रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी टर्बो, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। इस मूवी का प्रीमियम दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों VFX, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं अपन मूवी की रेटिंग के बारे में। तो मूवी को IMDb की तरफ से 10 में से 6 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने मूवी को 58% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने तो दोस्तों इस मूवी को 70% तक लाइक किया है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आप दोस्तों मूवी के रेटिंग रेस्पॉन्स से अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और दोस्तों, इस मूवी को पब्लिक और क्रिएटिव्स की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है, तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अंजना जयप्रकाश, मामूटी, राजवी सेट्टी, विजय सेतुपति, बिंदु पणिकर, प्रशांत, निरंजना, अमीना निजाम, कबीर दुहैन सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों, मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 42 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म में सोनी लिव के ऊपर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको सोनी लिव के ऊपर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को सोनी लिव के ऊपर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी। तो दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों, मूवी की कहानी शुरू होती है इडुक्की का एक जीप चालक अरुवी पुरुथु जोश उर्फ टर्बो जोश, जिसे झगड़ों में उलझने की आदत है, को पता चलता है कि उसके सबसे अच्छे दोस्त जेरी को चेन्नई में एक बैंक मैनेजर है, पर उसकी प्रेमिका इंदुलेखा के परिवार द्वारा भेजे गए गुंडों ने हमला किया था, जो एक अलग बैंक की बैंक मैनेजर भी है। जोश इंदुलेखा के घर पहुंचता है और उसकी सगाई रोक देता है, जहाँ वे इंदुलेखा को जेरी के घर ले जाता है। हालांकि जेरी अपने परिवार से डर के इंदुलेखा को स्वीकार करने से इनकार कर देता है और इंदुलेखा अपनी नौकरी के लिए चेन्नई चली जाती है। जोश को पता चलता है कि इंदुलेखा के परिवार ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद वे चेन्नई चला जाता है और उसे घर वापस आने के लिए मनाता है। हालांकि जोश को पता चलता है कि उसे जेल हो जाएगी, लेकिन वे चेन्नई में ही रहने का फैसला करता है।
जोफ के अनुरोध पर इंदुलेखा उसे अपने ग्राहक एड्रूज एक अमीर कार डीलर के यहाँ नौकरी दिलाने में मदद करती है और जोफ एड्रूज के लिए एक अंगरक्षक के रूप में काम करता है। जोफ इंदुलेखा को उसके परिवार से फिर से मिलाने में कामयाब हो जाता है। इसी बीच जेरी को उसकी सहकर्मी सितारा द्वारा सूचित किया जाता है कि बैंक के एक अनाम व्यक्ति ने जेरी के पासकी का उपयोग करके अन्य लोगों के नाम से पंजीकृत निष्क्रिय खातों में बड़ी मात्रा में धन हस्तांतरित किया था। जेरी सितारा के साथ जांच शुरू करता है जहां उसे घोटाले के पीछे से असली मास्टरमाइंड के बारे में पता चलता है। वेत्रिवेल सन्मुगम सुंदरम एक क्रूर और करिश्माई किंग मेकर जो सत्तारूढ़ पार्टी के विधायकों को उनकी वफादारी बदलने के लिए धन मुहैया कराने के लिए बैंकिंग प्रणाली में हेरफेर कर रहा है। दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी एकदम इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी टर्बो मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टर्बो मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजिम से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 23 मई 2024 में रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी टर्बो, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। इस मूवी का प्रीमियम दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों वीएसक, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं अपन मूवी की रेटिंग के बारे में, तो मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 6 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने मूवी को 58% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने तो दोस्तों इस मूवी को 70% तक लाइक किया है, तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आप दोस्तों मूवी के रेटिंग रिस्पॉन्स से अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और दोस्तों इस मूवी को पब्लिक और क्रिएटिव्स की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है, तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में, मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अंजना जयप्रकाश, मामूटी, राजवी सेट्टी, विजय सेतुपति, बिंदु पणिकर, प्रशांत, निरंजना, अमीना निजामे, कबीर दुहैन सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं, तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 42 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म में सोनी लिव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है,
जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको सोनी लिव के ऊपर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को सोनी लिव के ऊपर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरीके लगी। तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है इडुक्की का एक जीप चालक अरुवी पुरुथु जोश उर्फ टर्बो जोश, जिसे झगड़ों में उलझने की आदत है, को पता चलता है कि उसके सबसे अच्छे दोस्त जेरी को चेन्नई में एक बैंक मैनेजर है, पर उसकी प्रेमिका इंदुलेखा के परिवार द्वारा भेजे गए गुंडों ने हमला किया था, जो एक अलग बैंक की बैंक मैनेजर भी है। जोश इंदुलेखा के घर पहुँचता है और उसकी सगाई रोक देता है, जहाँ वे इंदुलेखा को जेरी के घर ले जाता है। हालांकि जेरी अपने परिवार से डर के इंदुलेखा को स्वीकार करने से इनकार कर देता है और इंदुलेखा अपनी नौकरी के लिए चेन्नई चली जाती है। जोश को पता चलता है कि इंदुलेखा के परिवार ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद वे चेन्नई चला जाता है और उसे घर वापस आने के लिए मनाता है। हालांकि जोश को पता चलता है कि उसे जेल हो जाएगी, लेकिन वे चेन्नई में ही रहने का फैसला करता है। जोश के अनुरोध पर इंदुलेखा उसे अपने ग्राहक एड्रूज एक अमीर कार डीलर के यहाँ नौकरी दिलाने में मदद करती है और जोश एड्रूज के लिए एक अंगरक्षक के रूप में काम करता है। जोश इंदुलेखा को उसके परिवार से फिर से मिलाने में कामयाब हो जाता है। इसी बीच जेरी को उसकी सहकर्मी सितारा द्वारा सूचित किया जाता है कि बैंक के एक अनाम व्यक्ति ने जेरी के पासकी का उपयोग करके अन्य लोगों के नाम से पंजीकृत निष्क्रिय खातों में बड़ी मात्रा में धन हस्तांतरित किया था। जेरी सितारा के साथ जांच शुरू करता है, जहां उसे घोटाले के पीछे से असली मास्टरमाइंड के बारे में पता चलता है। वेत्रिवेल सन्मुगम सुंदरम एक क्रूर और करिश्माई किंग मेकर, जो सत्तारूढ़ पार्टी के विधायकों को उनकी वफादारी बदलने के लिए धन मुहैया कराने के लिए बैंकिंग प्रणाली में हेरफेर कर रहा है। दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी टर्बो मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टर्बो मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजिम से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 23 मई 2024 में रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी टर्बो, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। इस मूवी का प्रीमियम दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों वीएसक, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं अपन मूवी की रेटिंग के बारे में, तो मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 6 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने मूवी को 58% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने तो दोस्तों इस मूवी को 70% तक लाइक किया है।
तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आप दोस्तों मूवी के रेटिंग रेस्पॉन्स से अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है, और दोस्तों इस मूवी को पब्लिक और क्रिएटिव्स की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है, तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अंजना जयप्रकाश, मामूटी, राजवी सेट्टी, विजय सेतुपति, बिंदु पणिकर, प्रशांत, निरंजना, अमीना निजाम, कबीर दुहैन सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 42 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म में सोनी लिव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको सोनी लिव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को सोनी लिव के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा, और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरीके लगी। तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है इडुक्की का एक जीप चालक अरुवी पुरुथु जोश उर्फ टर्बो जोश, जिसे झगड़ों में उलझने की आदत है, को पता चलता है कि उसके सबसे अच्छे दोस्त जेरी को चेन्नई में एक बैंक मैनेजर है, पर उसकी प्रेमिका इंदुलेखा के परिवार द्वारा भेजे गए गुंडों ने हमला किया था, जो एक अलग बैंक की बैंक मैनेजर भी है। जोश इंदुलेखा के घर पहुंचता है और उसकी सगाई रोक देता है, जहाँ वे इंदुलेखा को जेरी के घर ले जाता है। हालांकि जेरी अपने परिवार से डर के इंदुलेखा को स्वीकार करने से इनकार कर देता है और इंदुलेखा अपनी नौकरी के लिए चेन्नई चली जाती है। जोश को पता चलता है कि इंदुलेखा के परिवार ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद वे चेन्नई चला जाता है और उसे घर वापस आने के लिए मनाता है। हालांकि जोश को पता चलता है कि उसे जेल हो जाएगी, लेकिन वे चेन्नई में ही रहने का फैसला करता है। जोश के अनुरोध पर इंदुलेखा उसे अपने ग्राहक एड्रूज, एक अमीर कार डीलर के यहाँ नौकरी दिलाने में मदद करती है, और जोश एड्रूज के लिए एक अंगरक्षक के रूप में काम करता है। जोश इंदुलेखा को उसके परिवार से फिर से मिलाने में कामयाब हो जाता है। इसी बीच जेरी को उसकी सहकर्मी सितारा द्वारा सूचित किया जाता है कि बैंक के एक अनाम व्यक्ति ने जेरी के पासकी का उपयोग करके अन्य लोगों के नाम से पंजीकृत निष्क्रिय खातों में बड़ी मात्रा में धन हस्तांतरित किया था। जेरी सितारा के साथ जांच शुरू करता है, जहां उसे घोटाले के पीछे से असली मास्टरमाइंड के बारे में पता चलता है। वेत्रिवेल सन्मुगम सुंदरम, एक क्रूर और करिश्माई किंग मेकर, जो सत्तारूढ़ पार्टी के विधायकों को उनकी वफादारी बदलने के लिए धन मुहैया कराने के लिए बैंकिंग प्रणाली में हेरफेर कर रहा है। दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।
दोस्तों अगर आप भी टर्बो मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टर्बो मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजिम से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 23 मई 2024 में रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी टर्बो, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। इस मूवी का प्रीमियम दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों VFX, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं अपन मूवी की रेटिंग के बारे में। तो मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 6 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने मूवी को 58% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने तो दोस्तों इस मूवी को 70% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आप दोस्तों मूवी के रेटिंग रेस्पॉन्स से अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और दोस्तों इस मूवी को पब्लिक और क्रिएटिव्स की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है, तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अंजना जयप्रकाश, मामूटी, राजवी सेट्टी, विजय सेतुपति, बिंदु पणिकर, प्रशांत, निरंजना, अमीना निजाम, कबीर दुहैन सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 42 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म में सोनी लिव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको सोनी लिव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को सोनी लिव के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी। तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है इडुक्की का एक जीप चालक अरुवी पुरुथु जोश उर्फ टर्बो जोश, जिसे झगड़ों में उलझने की आदत है, को पता चलता है कि उसके सबसे अच्छे दोस्त जेरी को चेन्नई में एक बैंक मैनेजर है, पर उसकी प्रेमिका इंदुलेखा के परिवार द्वारा भेजे गए गुंडों ने हमला किया था, जो एक अलग बैंक की बैंक मैनेजर भी है। जोश इंदुलेखा के घर पहुंचता है और उसकी सगाई रोक देता है, जहाँ वे इंदुलेखा को जेरी के घर ले जाता है। हालांकि जेरी अपने परिवार से डर के इंदुलेखा को स्वीकार करने से इनकार कर देता है और इंदुलेखा अपनी नौकरी के लिए चेन्नई चली जाती है। जोश को पता चलता है कि इंदुलेखा के परिवार ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद वे चेन्नई चला जाता है और उसे घर वापस आने के लिए मनाता है। हालांकि जोश को पता चलता है कि उसे जेल हो जाएगी, लेकिन वे चेन्नई में ही रहने का फैसला करता है।
जोफ के अनुरोध पर इंदुलेखा उसे अपने ग्राहक एड्रूज एक अमीर कार डीलर के यहाँ नौकरी दिलाने में मदद करती है और जोफ एड्रूज के लिए एक अंगरक्षक के रूप में काम करता है। जोफ इंदुलेखा को उसके परिवार से फिर से मिलाने में कामयाब हो जाता है। इसी बीच जेरी को उसकी सहकर्मी सितारा द्वारा सूचित किया जाता है कि बैंक के एक अनाम व्यक्ति ने जेरी के पासकी का उपयोग करके अन्य लोगों के नाम से पंजीकृत निष्क्रिय खातों में बड़ी मात्रा में धन हस्तांतरित किया था। जेरी सितारा के साथ जांच शुरू करता है जहां उसे घोटाले के पीछे से असली मास्टरमाइंड के बारे में पता चलता है। वेत्रिवेल सन्मुगम सुंदरम एक क्रूर और करिश्माई किंग मेकर जो सत्तारूढ़ पार्टी के विधायकों को उनकी वफादारी बदलने के लिए धन मुहैया कराने के लिए बैंकिंग प्रणाली में हेरफेर कर रहा है। दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी एकदम इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी टर्बो मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टर्बो मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 23 मई 2024 में रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी टर्बो, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। इस मूवी का प्रीमियम दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों वीएसक, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं अपन मूवी की रेटिंग के बारे में, तो मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 6 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने मूवी को 58% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने तो दोस्तों इस मूवी को 70% तक लाइक किया है, तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आप दोस्तों मूवी के रेटिंग रिस्पॉन्स से अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और दोस्तों इस मूवी को पब्लिक और क्रिएटिव्स की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है, तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में, मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अंजना जयप्रकाश, मामूटी, राजवी सेट्टी, विजय सेतुपति, बिंदु पणिकर, प्रशांत, निरंजना, अमीना निजाम, कबीर दुहैन सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं, तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 42 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म में सोनी लिव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है,
जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको सोनी लिव के ऊपर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को सोनी लिव के ऊपर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरीके लगी। तो दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों, मूवी की कहानी शुरू होती है इडुक्की का एक जीप चालक अरुवी पुरुथु जोश उर्फ टर्बो जोश, जिसे झगड़ों में उलझने की आदत है, को पता चलता है कि उसके सबसे अच्छे दोस्त जेरी को चेन्नई में एक बैंक मैनेजर है, पर उसकी प्रेमिका इंदुलेखा के परिवार द्वारा भेजे गए गुंडों ने हमला किया था, जो एक अलग बैंक की बैंक मैनेजर भी है। जोश इंदुलेखा के घर पहुँचता है और उसकी सगाई रोक देता है, जहाँ वे इंदुलेखा को जेरी के घर ले जाता है। हालांकि जेरी अपने परिवार से डर के इंदुलेखा को स्वीकार करने से इनकार कर देता है और इंदुलेखा अपनी नौकरी के लिए चेन्नई चली जाती है। जोश को पता चलता है कि इंदुलेखा के परिवार ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद वे चेन्नई चला जाता है और उसे घर वापस आने के लिए मनाता है। हालांकि जोश को पता चलता है कि उसे जेल हो जाएगी, लेकिन वे चेन्नई में ही रहने का फैसला करता है। जोश के अनुरोध पर इंदुलेखा उसे अपने ग्राहक एड्रूज, एक अमीर कार डीलर के यहाँ नौकरी दिलाने में मदद करती है और जोश एड्रूज के लिए एक अंगरक्षक के रूप में काम करता है। जोश इंदुलेखा को उसके परिवार से फिर से मिलाने में कामयाब हो जाता है। इसी बीच जेरी को उसकी सहकर्मी सितारा द्वारा सूचित किया जाता है कि बैंक के एक अनाम व्यक्ति ने जेरी के पासकी का उपयोग करके अन्य लोगों के नाम से पंजीकृत निष्क्रिय खातों में बड़ी मात्रा में धन हस्तांतरित किया था। जेरी सितारा के साथ जांच शुरू करता है, जहां उसे घोटाले के पीछे से असली मास्टरमाइंड के बारे में पता चलता है। वेत्रिवेल सन्मुगम सुंदरम, एक क्रूर और करिश्माई किंग मेकर, जो सत्तारूढ़ पार्टी के विधायकों को उनकी वफादारी बदलने के लिए धन मुहैया कराने के लिए बैंकिंग प्रणाली में हेरफेर कर रहा है। दोस्तों, मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी टर्बो मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टर्बो मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 23 मई 2024 में रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी टर्बो, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। इस मूवी का प्रीमियम दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों वीएसक, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं अपन मूवी की रेटिंग के बारे में, तो मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 6 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने मूवी को 58% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने तो दोस्तों इस मूवी को 70% तक लाइक किया है।
तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आप दोस्तों मूवी के रेटिंग रिस्पॉन्स से अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और दोस्तों इस मूवी को पब्लिक और क्रिएटिव्स की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है, तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अंजना जयप्रकाश, मामूटी, राजवी सेट्टी, विजय सेतुपति, बिंदु पणिकर, प्रशांत, निरंजना, अमीना निजाम, कबीर दुहैन सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 42 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म में सोनी लिव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको सोनी लिव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को सोनी लिव के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी। तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है इडुक्की का एक जीप चालक अरुवी पुरुथु जोश उर्फ टर्बो जोश, जिसे झगड़ों में उलझने की आदत है, को पता चलता है कि उसके सबसे अच्छे दोस्त जेरी को चेन्नई में एक बैंक मैनेजर है, पर उसकी प्रेमिका इंदुलेखा के परिवार द्वारा भेजे गए गुंडों ने हमला किया था, जो एक अलग बैंक की बैंक मैनेजर भी है। जोश इंदुलेखा के घर पहुँचता है और उसकी सगाई रोक देता है, जहाँ वे इंदुलेखा को जेरी के घर ले जाता है। हालांकि जेरी अपने परिवार से डर के इंदुलेखा को स्वीकार करने से इनकार कर देता है और इंदुलेखा अपनी नौकरी के लिए चेन्नई चली जाती है। जोश को पता चलता है कि इंदुलेखा के परिवार ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद वे चेन्नई चला जाता है और उसे घर वापस आने के लिए मनाता है। हालांकि जोश को पता चलता है कि उसे जेल हो जाएगी, लेकिन वे चेन्नई में ही रहने का फैसला करता है। जोश के अनुरोध पर इंदुलेखा उसे अपने ग्राहक एड्रयूज, एक अमीर कार डीलर के यहाँ नौकरी दिलाने में मदद करती है और जोश एड्रयूज के लिए एक अंगरक्षक के रूप में काम करता है। जोश इंदुलेखा को उसके परिवार से फिर से मिलाने में कामयाब हो जाता है। इसी बीच जेरी को उसकी सहकर्मी सितारा द्वारा सूचित किया जाता है कि बैंक के एक अनाम व्यक्ति ने जेरी के पासकी का उपयोग करके अन्य लोगों के नाम से पंजीकृत निष्क्रिय खातों में बड़ी मात्रा में धन हस्तांतरित किया था। जेरी सितारा के साथ जांच शुरू करता है, जहां उसे घोटाले के पीछे से असली मास्टरमाइंड के बारे में पता चलता है। वेत्रिवेल सन्मुगम सुंदरम, एक क्रूर और करिश्माई किंग मेकर, जो सत्तारूढ़ पार्टी के विधायकों को उनकी वफादारी बदलने के लिए धन मुहैया कराने के लिए बैंकिंग प्रणाली में हेरफेर कर रहा है। दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।
दोस्तों अगर आप भी टर्बो मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टर्बो मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजिम से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 23 मई 2024 में रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी टर्बो, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। इस मूवी का प्रीमियम दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों VFX, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं अपन मूवी की रेटिंग के बारे में। तो मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 6 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने मूवी को 58% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने तो दोस्तों इस मूवी को 70% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आप दोस्तों मूवी के रेटिंग रिस्पॉन्स से अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और दोस्तों इस मूवी को पब्लिक और क्रिएटिव्स की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है, तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अंजना जयप्रकाश, मामूटी, राजवी सेट्टी, विजय सेतुपति, बिंदु पणिकर, प्रशांत, निरंजना, अमीना निजाम, कबीर दुहैन सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 42 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म में सोनी लिव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको सोनी लिव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को सोनी लिव के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी। तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है इडुक्की का एक जीप चालक अरुवी पुरुथु जोश उर्फ टर्बो जोश, जिसे झगड़ों में उलझने की आदत है, को पता चलता है कि उसके सबसे अच्छे दोस्त जेरी को चेन्नई में एक बैंक मैनेजर है, पर उसकी प्रेमिका इंदुलेखा के परिवार द्वारा भेजे गए गुंडों ने हमला किया था, जो एक अलग बैंक की बैंक मैनेजर भी है। जोश इंदुलेखा के घर पहुँचता है और उसकी सगाई रोक देता है, जहाँ वे इंदुलेखा को जेरी के घर ले जाता है। हालांकि जेरी अपने परिवार से डर के इंदुलेखा को स्वीकार करने से इनकार कर देता है और इंदुलेखा अपनी नौकरी के लिए चेन्नई चली जाती है। जोश को पता चलता है कि इंदुलेखा के परिवार ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद वे चेन्नई चला जाता है और उसे घर वापस आने के लिए मनाता है। हालांकि जोश को पता चलता है कि उसे जेल हो जाएगी, लेकिन वे चेन्नई में ही रहने का फैसला करता है।
जोस के अनुरोध पर इंदुलेखा उसे अपने ग्राहक एड्रयूज एक अमीर कार डीलर के यहाँ नौकरी दिलाने में मदद करती है और जोस एड्रयूज के लिए एक अंगरक्षक के रूप में काम करता है। जोस इंदुलेखा को उसके परिवार से फिर से मिलाने में कामयाब हो जाता है। इसी बीच जेरी को उसकी सहकर्मी सितारा द्वारा सूचित किया जाता है कि बैंक के एक अनाम व्यक्ति ने जेरी के पासकी का उपयोग करके अन्य लोगों के नाम से पंजीकृत निष्क्रिय खातों में बड़ी मात्रा में धन हस्तांतरित किया था। जेरी सितारा के साथ जांच शुरू करता है जहां उसे घोटाले के पीछे से असली मास्टरमाइंड के बारे में पता चलता है। वेत्रिवेल सन्मुगम सुंदरम एक क्रूर और करिश्माई किंग मेकर जो सत्तारूढ़ पार्टी के विधायकों को उनकी वफादारी बदलने के लिए धन मुहैया कराने के लिए बैंकिंग प्रणाली में हेरफेर कर रहा है। दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी टर्बो मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टर्बो मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 23 मई 2024 में रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी टर्बो, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। इस मूवी का प्रीमियम दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों वीएसक, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं अपन मूवी की रेटिंग के बारे में, तो मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 6 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने मूवी को 58% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने तो दोस्तों इस मूवी को 70% तक लाइक किया है, तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आप दोस्तों मूवी के रेटिंग रिस्पॉन्स से अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और दोस्तों इस मूवी को पब्लिक और क्रिएटिव्स की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है, तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में, मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अंजना जयप्रकाश, मामूटी, राजवी सेट्टी, विजय सेतुपति, बिंदु पणिकर, प्रशांत, निरंजना, अमीना निजाम, कबीर दुहैन सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं, तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 42 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म में सोनी लिव के ऊपर देखने को मिलने वाली है।
जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। ये मूवी आपको सोनी लिव के ऊपर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को सोनी लिव के ऊपर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी। तो दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों, मूवी की कहानी शुरू होती है इडुक्की का एक जीप चालक अरुवी पुरुथु जोश उर्फ टर्बो जोश, जिसे झगड़ों में उलझने की आदत है, को पता चलता है कि उसके सबसे अच्छे दोस्त जेरी को चेन्नई में एक बैंक मैनेजर है, पर उसकी प्रेमिका इंदुलेखा के परिवार द्वारा भेजे गए गुंडों ने हमला किया था, जो एक अलग बैंक की बैंक मैनेजर भी है। जोश इंदुलेखा के घर पहुँचता है और उसकी सगाई रोक देता है, जहाँ वे इंदुलेखा को जेरी के घर ले जाता है। हालांकि जेरी अपने परिवार से डर के इंदुलेखा को स्वीकार करने से इनकार कर देता है और इंदुलेखा अपनी नौकरी के लिए चेन्नई चली जाती है। जोश को पता चलता है कि इंदुलेखा के परिवार ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद वे चेन्नई चला जाता है और उसे घर वापस आने के लिए मनाता है। हालांकि जोश को पता चलता है कि उसे जेल हो जाएगी, लेकिन वे चेन्नई में ही रहने का फैसला करता है। जोश के अनुरोध पर इंदुलेखा उसे अपने ग्राहक एड्रूज, एक अमीर कार डीलर के यहाँ नौकरी दिलाने में मदद करती है और जोश एड्रूज के लिए एक अंगरक्षक के रूप में काम करता है। जोश इंदुलेखा को उसके परिवार से फिर से मिलाने में कामयाब हो जाता है। इसी बीच जेरी को उसकी सहकर्मी सितारा द्वारा सूचित किया जाता है कि बैंक के एक अनाम व्यक्ति ने जेरी के पासकी का उपयोग करके अन्य लोगों के नाम से पंजीकृत निष्क्रिय खातों में बड़ी मात्रा में धन हस्तांतरित किया था। जेरी सितारा के साथ जांच शुरू करता है, जहां उसे घोटाले के पीछे से असली मास्टरमाइंड के बारे में पता चलता है। वेत्रिवेल सन्मुगम सुंदरम, एक क्रूर और करिश्माई किंगमेकर, जो सत्तारूढ़ पार्टी के विधायकों को उनकी वफादारी बदलने के लिए धन मुहैया कराने के लिए बैंकिंग प्रणाली में हेरफेर कर रहा है। दोस्तों, मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी टर्बो मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टर्बो मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजिम से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 23 मई 2024 में रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी टर्बो, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। इस मूवी का प्रीमियम दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों वीएसक, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं अपन मूवी की रेटिंग के बारे में। तो मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 6 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने मूवी को 58% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने तो दोस्तों इस मूवी को
70% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आप दोस्तों मूवी के रेटिंग रिस्पॉन्स से अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और दोस्तों इस मूवी को पब्लिक और क्रिएटिव्स की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है, तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अंजना जयप्रकाश, मामूटी, राजवी सेट्टी, विजय सेतुपति, बिंदु पणिकर, प्रशांत निरंजना, अमीना निजाम, कबीर दुहैन सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 42 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म में सोनी लिव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको सोनी लिव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को सोनी लिव के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी। तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है इडुक्की का एक जीप चालक अरुवी पुरुथु जोश उर्फ टर्बो जोश, जिसे झगड़ों में उलझने की आदत है, को पता चलता है कि उसके सबसे अच्छे दोस्त जेरी को चेन्नई में एक बैंक मैनेजर है, पर उसकी प्रेमिका इंदुलेखा के परिवार द्वारा भेजे गए गुंडों ने हमला किया था, जो एक अलग बैंक की बैंक मैनेजर भी है। जोश इंदुलेखा के घर पहुंचता है और उसकी सगाई रोक देता है, जहाँ वे इंदुलेखा को जेरी के घर ले जाता है। हालांकि जेरी अपने परिवार से डर के इंदुलेखा को स्वीकार करने से इनकार कर देता है और इंदुलेखा अपनी नौकरी के लिए चेन्नई चली जाती है। जोश को पता चलता है कि इंदुलेखा के परिवार ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद वे चेन्नई चला जाता है और उसे घर वापस आने के लिए मनाता है। हालांकि जोश को पता चलता है कि उसे जेल हो जाएगी, लेकिन वे चेन्नई में ही रहने का फैसला करता है। जोश के अनुरोध पर इंदुलेखा उसे अपने ग्राहक एड्रूज, एक अमीर कार डीलर के यहाँ नौकरी दिलाने में मदद करती है और जोश एड्रूज के लिए एक अंगरक्षक के रूप में काम करता है। जोश इंदुलेखा को उसके परिवार से फिर से मिलाने में कामयाब हो जाता है। इसी बीच जेरी को उसकी सहकर्मी सितारा द्वारा सूचित किया जाता है कि बैंक के एक अनाम व्यक्ति ने जेरी के पासकी का उपयोग करके अन्य लोगों के नाम से पंजीकृत निष्क्रिय खातों में बड़ी मात्रा में धन हस्तांतरित किया था। जेरी सितारा के साथ जांच शुरू करता है, जहां उसे घोटाले के पीछे से असली मास्टरमाइंड के बारे में पता चलता है। वेत्रिवेल सन्मुगम सुंदरम, एक क्रूर और करिश्माई किंग मेकर, जो सत्तारूढ़ पार्टी के विधायकों को उनकी वफादारी बदलने के लिए धन मुहैया कराने के लिए बैंकिंग प्रणाली में हेरफेर कर रहा है। दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।
दोस्तों अगर आप भी टर्बो मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टर्बो मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजिम से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 23 मई 2024 में रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी टर्बो, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। इस मूवी का प्रीमियम दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों VFX, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं अपन मूवी की रेटिंग के बारे में। तो मूवी को IMDb की तरफ से 10 में से 6 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोज ने मूवी को 58% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने तो दोस्तों इस मूवी को 70% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आप दोस्तों मूवी के रेटिंग रेस्पॉन्स से अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और दोस्तों इस मूवी को पब्लिक और क्रिएटिव्स की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है, तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अंजना जयप्रकाश, मामूटी, राजवी सेट्टी, विजय सेतुपति, बिंदु पणिकर, प्रशांत, निरंजना, अमीना निजाम, कबीर दुहैन सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 42 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म में सोनी लिव के ऊपर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको सोनी लिव के ऊपर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को सोनी लिव के ऊपर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी। तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है इडुक्की का एक जीप चालक अरुवी पुरुथु जोश उर्फ टर्बो जोश, जिसे झगड़ों में उलझने की आदत है, को पता चलता है कि उसके सबसे अच्छे दोस्त जेरी को चेन्नई में एक बैंक मैनेजर है, पर उसकी प्रेमिका इंदुलेखा के परिवार द्वारा भेजे गए गुंडों ने हमला किया था, जो एक अलग बैंक की बैंक मैनेजर भी है। जोश इंदुलेखा के घर पहुंचता है और उसकी सगाई रोक देता है, जहाँ वे इंदुलेखा को जेरी के घर ले जाता है। हालांकि जेरी अपने परिवार से डर के इंदुलेखा को स्वीकार करने से इनकार कर देता है और इंदुलेखा अपनी नौकरी के लिए चेन्नई चली जाती है। जोश को पता चलता है कि इंदुलेखा के परिवार ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद वे चेन्नई चला जाता है और उसे घर वापस आने के लिए मनाता है। हालांकि जोश को पता चलता है कि उसे जेल हो जाएगी, लेकिन वे चेन्नई में ही रहने का फैसला करता है।
जो उसके अनुरोध पर इंदुलेखा उसे अपने ग्राहक एड्रूज एक अमीर कार डीलर के यहाँ नौकरी दिलाने में मदद करती है और जोस एड्रूज के लिए एक अंगरक्षक के रूप में काम करता है। जोस इंदुलेखा को उसके परिवार से फिर से मिलाने में कामयाब हो जाता है। इसी बीच जेरी को उसकी सहकर्मी सितारा द्वारा सूचित किया जाता है कि बैंक के एक अनाम व्यक्ति ने जेरी के पासकी का उपयोग करके अन्य लोगों के नाम से पंजीकृत निष्क्रिय खातों में बड़ी मात्रा में धन हस्तांतरित किया था। जेरी सितारा के साथ जांच शुरू करता है जहां उसे घोटाले के पीछे से असली मास्टरमाइंड के बारे में पता चलता है। वेत्रिवेल सन्मुगम सुंदरम एक क्रूर और करिश्माई किंग मेकर जो सत्तारूढ़ पार्टी के विधायकों को उनकी वफादारी बदलने के लिए धन मुहैया कराने के लिए बैंकिंग प्रणाली में हेरफेर कर रहा है। दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी एकदम इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी टर्बो मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टर्बो मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 23 मई 2024 में रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी टर्बो, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। इस मूवी का प्रीमियम दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों वीएसक, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं अपन मूवी की रेटिंग के बारे में, तो मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 6 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने मूवी को 58% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने तो दोस्तों इस मूवी को 70% तक लाइक किया है, तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आप दोस्तों मूवी के रेटिंग रिस्पॉन्स से अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और दोस्तों इस मूवी को पब्लिक और क्रिएटिव्स की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है, तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में, मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अंजना जयप्रकाश, मामूटी, राजवी सेट्टी, विजय सेतुपति, बिंदु पणिकर, प्रशांत, निरंजना, अमीना निजाम, कबीर दुहैन सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं, तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 42 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म में सोनी लिव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है,
जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको सोनी लिव के ऊपर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को सोनी लिव के ऊपर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरीके लगी। तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है इडुक्की का एक जीप चालक अरुवी पुरुथु जोश उर्फ टर्बो जोश, जिसे झगड़ों में उलझने की आदत है, को पता चलता है कि उसके सबसे अच्छे दोस्त जेरी को चेन्नई में एक बैंक मैनेजर है, पर उसकी प्रेमिका इंदुलेखा के परिवार द्वारा भेजे गए गुंडों ने हमला किया था, जो एक अलग बैंक की बैंक मैनेजर भी है। जोश इंदुलेखा के घर पहुँचता है और उसकी सगाई रोक देता है, जहाँ वे इंदुलेखा को जेरी के घर ले जाता है। हालांकि जेरी अपने परिवार से डर के इंदुलेखा को स्वीकार करने से इनकार कर देता है और इंदुलेखा अपनी नौकरी के लिए चेन्नई चली जाती है। जोश को पता चलता है कि इंदुलेखा के परिवार ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद वे चेन्नई चला जाता है और उसे घर वापस आने के लिए मनाता है। हालांकि जोश को पता चलता है कि उसे जेल हो जाएगी, लेकिन वे चेन्नई में ही रहने का फैसला करता है। जोश के अनुरोध पर इंदुलेखा उसे अपने ग्राहक एड्रूज एक अमीर कार डीलर के यहाँ नौकरी दिलाने में मदद करती है और जोश एड्रूज के लिए एक अंगरक्षक के रूप में काम करता है। जोश इंदुलेखा को उसके परिवार से फिर से मिलाने में कामयाब हो जाता है। इसी बीच जेरी को उसकी सहकर्मी सितारा द्वारा सूचित किया जाता है कि बैंक के एक अनाम व्यक्ति ने जेरी के पासकी का उपयोग करके अन्य लोगों के नाम से पंजीकृत निष्क्रिय खातों में बड़ी मात्रा में धन हस्तांतरित किया था। जेरी सितारा के साथ जांच शुरू करता है, जहां उसे घोटाले के पीछे से असली मास्टरमाइंड के बारे में पता चलता है। वेत्रिवेल सन्मुगम सुंदरम एक क्रूर और करिश्माई किंग मेकर, जो सत्तारूढ़ पार्टी के विधायकों को उनकी वफादारी बदलने के लिए धन मुहैया कराने के लिए बैंकिंग प्रणाली में हेरफेर कर रहा है। दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी टर्बो मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टर्बो मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 23 मई 2024 में रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी टर्बो, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। इस मूवी का प्रीमियम दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों वीएसक, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं अपन मूवी की रेटिंग के बारे में, तो मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 6 की रेटिंग दी गई है, एंड रोटेन टोमेटोस ने मूवी को 58% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने तो दोस्तों इस मूवी को
70% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आप दोस्तों मूवी के रेटिंग रेस्पॉन्स से अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और दोस्तों इस मूवी को पब्लिक और क्रिएटिव्स की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है, तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अंजना जयप्रकाश, मामूटी, राजवी सेट्टी, विजय सेतुपति, बिंदु पणिकर, प्रशांत, निरंजना, अमीना निजाम, कबीर दुहैन सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 42 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म में सोनी लिव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको सोनी लिव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को सोनी लिव के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरीके लगी। तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है इडुक्की का एक जीप चालक अरुवी पुरुथु जोश उर्फ टर्बो जोश, जिसे झगड़ों में उलझने की आदत है, को पता चलता है कि उसके सबसे अच्छे दोस्त जेरी को चेन्नई में एक बैंक मैनेजर है, पर उसकी प्रेमिका इंदुलेखा के परिवार द्वारा भेजे गए गुंडों ने हमला किया था, जो एक अलग बैंक की बैंक मैनेजर भी है। जोश इंदुलेखा के घर पहुंचता है और उसकी सगाई रोक देता है, जहाँ वे इंदुलेखा को जेरी के घर ले जाता है। हालांकि जेरी अपने परिवार से डर के इंदुलेखा को स्वीकार करने से इनकार कर देता है और इंदुलेखा अपनी नौकरी के लिए चेन्नई चली जाती है। जोश को पता चलता है कि इंदुलेखा के परिवार ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद वे चेन्नई चला जाता है और उसे घर वापस आने के लिए मनाता है। हालांकि जोश को पता चलता है कि उसे जेल हो जाएगी, लेकिन वे चेन्नई में ही रहने का फैसला करता है। जोश के अनुरोध पर इंदुलेखा उसे अपने ग्राहक एड्रूज, एक अमीर कार डीलर के यहाँ नौकरी दिलाने में मदद करती है और जोश एड्रूज के लिए एक अंगरक्षक के रूप में काम करता है। जोश इंदुलेखा को उसके परिवार से फिर से मिलाने में कामयाब हो जाता है। इसी बीच जेरी को उसकी सहकर्मी सितारा द्वारा सूचित किया जाता है कि बैंक के एक अनाम व्यक्ति ने जेरी के पासकी का उपयोग करके अन्य लोगों के नाम से पंजीकृत निष्क्रिय खातों में बड़ी मात्रा में धन हस्तांतरित किया था। जेरी सितारा के साथ जांच शुरू करता है, जहां उसे घोटाले के पीछे से असली मास्टरमाइंड के बारे में पता चलता है। वेत्रिवेल सन्मुगम सुंदरम, एक क्रूर और करिश्माई किंग मेकर, जो सत्तारूढ़ पार्टी के विधायकों को उनकी वफादारी बदलने के लिए धन मुहैया कराने के लिए बैंकिंग प्रणाली में हेरफेर कर रहा है। दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।
दोस्तों अगर आप भी टर्बो मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टर्बो मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 23 मई 2024 में रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी टर्बो, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। इस मूवी का प्रीमियम दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों VFX, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं अपन मूवी की रेटिंग के बारे में। तो मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 6 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने मूवी को 58% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने तो दोस्तों इस मूवी को 70% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आप दोस्तों मूवी के रेटिंग रेस्पॉन्स से अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और दोस्तों इस मूवी को पब्लिक और क्रिएटिव्स की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है, तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अंजना जयप्रकाश, मामूटी, राजवी सेट्टी, विजय सेतुपति, बिंदु पणिकर, प्रशांत, निरंजना, अमीना निजाम, कबीर दुहैन सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 42 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म में सोनी लिव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको सोनी लिव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को सोनी लिव के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी। तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है इडुक्की का एक जीप चालक अरुवी पुरथु जोश उर्फ टर्बो जोश, जिसे झगड़ों में उलझने की आदत है, को पता चलता है कि उसके सबसे अच्छे दोस्त जेरी को चेन्नई में एक बैंक मैनेजर है, पर उसकी प्रेमिका इंदुलेखा के परिवार द्वारा भेजे गए गुंडों ने हमला किया था, जो एक अलग बैंक की बैंक मैनेजर भी है। जोश इंदुलेखा के घर पहुंचता है और उसकी सगाई रोक देता है, जहाँ वे इंदुलेखा को जेरी के घर ले जाता है। हालांकि जेरी अपने परिवार से डर के इंदुलेखा को स्वीकार करने से इनकार कर देता है और इंदुलेखा अपनी नौकरी के लिए चेन्नई चली जाती है। जोश को पता चलता है कि इंदुलेखा के परिवार ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद वे चेन्नई चला जाता है और उसे घर वापस आने के लिए मनाता है। हालांकि जोश को पता चलता है कि उसे जेल हो जाएगी, लेकिन वे चेन्नई में ही रहने का फैसला करता है।
जोफ के अनुरोध पर इंदुलेखा उसे अपने ग्राहक एड्रूज एक अमीर कार डीलर के यहाँ नौकरी दिलाने में मदद करती है और जोफ एड्रूज के लिए एक अंगरक्षक के रूप में काम करता है। जोफ इंदुलेखा को उसके परिवार से फिर से मिलाने में कामयाब हो जाता है। इसी बीच जेरी को उसकी सहकर्मी सितारा द्वारा सूचित किया जाता है कि बैंक के एक अनाम व्यक्ति ने जेरी के पासकी का उपयोग करके अन्य लोगों के नाम से पंजीकृत निष्क्रिय खातों में बड़ी मात्रा में धन हस्तांतरित किया था। जेरी सितारा के साथ जांच शुरू करता है जहां उसे घोटाले के पीछे से असली मास्टरमाइंड के बारे में पता चलता है। वेत्रिवेल सन्मुगम सुंदरम एक क्रूर और करिश्माई किंग मेकर जो सत्तारूढ़ पार्टी के विधायकों को उनकी वफादारी बदलने के लिए धन मुहैया कराने के लिए बैंकिंग प्रणाली में हेरफेर कर रहा है। दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी टर्बो मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टर्बो मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 23 मई 2024 में रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी टर्बो, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। इस मूवी का प्रीमियम दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों वीएसक, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं अपन मूवी की रेटिंग के बारे में, तो मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 6 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने मूवी को 58% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने तो दोस्तों इस मूवी को 70% तक लाइक किया है, तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आप दोस्तों मूवी के रेटिंग रिस्पॉन्स से अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और दोस्तों इस मूवी को पब्लिक और क्रिएटिव्स की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है, तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में, मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अंजना जयप्रकाश, मामूटी, राजवी सेट्टी, विजय सेतुपति, बिंदु पणिकर, प्रशांत, निरंजना, अमीना निजाम, कबीर दुहैन सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं, तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 42 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म में सोनी लिव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना,
ये मूवी आपको सोनी लिव के ऊपर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को सोनी लिव के ऊपर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरीके की लगी। तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है इडुक्की का एक जीप चालक अरुवी पुरुथु जोश उर्फ टर्बो जोश, जिसे झगड़ों में उलझने की आदत है, को पता चलता है कि उसके सबसे अच्छे दोस्त जेरी को चेन्नई में एक बैंक मैनेजर है, पर उसकी प्रेमिका इंदुलेखा के परिवार द्वारा भेजे गए गुंडों ने हमला किया था, जो एक अलग बैंक की बैंक मैनेजर भी है। जोश इंदुलेखा के घर पहुँचता है और उसकी सगाई रोक देता है, जहाँ वे इंदुलेखा को जेरी के घर ले जाता है। हालांकि जेरी अपने परिवार से डर के इंदुलेखा को स्वीकार करने से इनकार कर देता है और इंदुलेखा अपनी नौकरी के लिए चेन्नई चली जाती है। जोश को पता चलता है कि इंदुलेखा के परिवार ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद वे चेन्नई चला जाता है और उसे घर वापस आने के लिए मनाता है। हालांकि जोश को पता चलता है कि उसे जेल हो जाएगी, लेकिन वे चेन्नई में ही रहने का फैसला करता है। जोश के अनुरोध पर इंदुलेखा उसे अपने ग्राहक एड्रूज एक अमीर कार डीलर के यहाँ नौकरी दिलाने में मदद करती है और जोश एड्रूज के लिए एक अंगरक्षक के रूप में काम करता है। जोश इंदुलेखा को उसके परिवार से फिर से मिलाने में कामयाब हो जाता है। इसी बीच जेरी को उसकी सहकर्मी सितारा द्वारा सूचित किया जाता है कि बैंक के एक अनाम व्यक्ति ने जेरी के पासकी का उपयोग करके अन्य लोगों के नाम से पंजीकृत निष्क्रिय खातों में बड़ी मात्रा में धन हस्तांतरित किया था। जेरी सितारा के साथ जांच शुरू करता है, जहां उसे घोटाले के पीछे से असली मास्टरमाइंड के बारे में पता चलता है। वेत्रिवेल सन्मुगम सुंदरम एक क्रूर और करिश्माई किंग मेकर, जो सत्तारूढ़ पार्टी के विधायकों को उनकी वफादारी बदलने के लिए धन मुहैया कराने के लिए बैंकिंग प्रणाली में हेरफेर कर रहा है। दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी टर्बो मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टर्बो मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 23 मई 2024 में रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी टर्बो, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। इस मूवी का प्रीमियम दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों वीएसक, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं अपन मूवी की रेटिंग के बारे में। तो मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 6 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने मूवी को 58% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने तो दोस्तों इस मूवी को 70% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है।
आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आप दोस्तों मूवी के रेटिंग रिस्पॉन्स से अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और दोस्तों इस मूवी को पब्लिक और क्रिएटिव्स की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है, तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अंजना जयप्रकाश, मामूटी, राजवी सेट्टी, विजय सेतुपति, बिंदु पणिकर, प्रशांत, निरंजना, अमीना निजाम, कबीर दुहैन सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 42 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म में सोनी लिव के ऊपर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको सोनी लिव के ऊपर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को सोनी लिव के ऊपर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी। तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है इडुक्की का एक जीप चालक अरुवी पुरुथु जोश उर्फ टर्बो जोश, जिसे झगड़ों में उलझने की आदत है, को पता चलता है कि उसके सबसे अच्छे दोस्त जेरी को चेन्नई में एक बैंक मैनेजर है, पर उसकी प्रेमिका इंदुलेखा के परिवार द्वारा भेजे गए गुंडों ने हमला किया था, जो एक अलग बैंक की बैंक मैनेजर भी है। जोश इंदुलेखा के घर पहुँचता है और उसकी सगाई रोक देता है, जहाँ वे इंदुलेखा को जेरी के घर ले जाता है। हालांकि जेरी अपने परिवार से डर के इंदुलेखा को स्वीकार करने से इनकार कर देता है और इंदुलेखा अपनी नौकरी के लिए चेन्नई चली जाती है। जोश को पता चलता है कि इंदुलेखा के परिवार ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद वे चेन्नई चला जाता है और उसे घर वापस आने के लिए मनाता है। हालांकि जोश को पता चलता है कि उसे जेल हो जाएगी, लेकिन वे चेन्नई में ही रहने का फैसला करता है। जोश के अनुरोध पर इंदुलेखा उसे अपने ग्राहक एड्रयूज, एक अमीर कार डीलर के यहाँ नौकरी दिलाने में मदद करती है और जोश एड्रयूज के लिए एक अंगरक्षक के रूप में काम करता है। जोश इंदुलेखा को उसके परिवार से फिर से मिलाने में कामयाब हो जाता है। इसी बीच जेरी को उसकी सहकर्मी सितारा द्वारा सूचित किया जाता है कि बैंक के एक अनाम व्यक्ति ने जेरी के पासकी का उपयोग करके अन्य लोगों के नाम से पंजीकृत निष्क्रिय खातों में बड़ी मात्रा में धन हस्तांतरित किया था। जेरी सितारा के साथ जांच शुरू करता है, जहां उसे घोटाले के पीछे से असली मास्टरमाइंड के बारे में पता चलता है। वेत्रिवेल सन्मुगम सुंदरम, एक क्रूर और करिश्माई किंग मेकर, जो सत्तारूढ़ पार्टी के विधायकों को उनकी वफादारी बदलने के लिए धन मुहैया कराने के लिए बैंकिंग प्रणाली में हेरफेर कर रहा है। दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी टर्बो मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा।
आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टर्बो मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजिम से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 23 मई 2024 में रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी टर्बो, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। इस मूवी का प्रीमियम दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों VFX, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं अपन मूवी की रेटिंग के बारे में। तो मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 6 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने मूवी को 58% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने तो दोस्तों इस मूवी को 70% तक लाइक किया है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आप दोस्तों मूवी के रेटिंग रिस्पॉन्स से अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और दोस्तों, इस मूवी को पब्लिक और क्रिएटिव्स की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है, तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अंजना जयप्रकाश, मामूटी, राजवी सेट्टी, विजय सेतुपति, बिंदु पणिकर, प्रशांत, निरंजना, अमीना निजाम, कबीर दुहैन सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों, मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 42 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म में सोनी लिव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको सोनी लिव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को सोनी लिव के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी। तो दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों, मूवी की कहानी शुरू होती है इडुक्की का एक जीप चालक अरुवी पुरुथु जोश उर्फ टर्बो जोश, जिसे झगड़ों में उलझने की आदत है, को पता चलता है कि उसके सबसे अच्छे दोस्त जेरी को चेन्नई में एक बैंक मैनेजर है, पर उसकी प्रेमिका इंदुलेखा के परिवार द्वारा भेजे गए गुंडों ने हमला किया था, जो एक अलग बैंक की बैंक मैनेजर भी है। जोश इंदुलेखा के घर पहुँचता है और उसकी सगाई रोक देता है, जहाँ वे इंदुलेखा को जेरी के घर ले जाता है। हालांकि जेरी अपने परिवार से डर के इंदुलेखा को स्वीकार करने से इनकार कर देता है और इंदुलेखा अपनी नौकरी के लिए चेन्नई चली जाती है। जोश को पता चलता है कि इंदुलेखा के परिवार ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद वे चेन्नई चला जाता है और उसे घर वापस आने के लिए मनाता है। हालांकि जोश को पता चलता है कि उसे जेल हो जाएगी, लेकिन वे चेन्नई में ही रहने का फैसला करता है।
जोश के अनुरोध पर इंदुलेखा उसे अपने ग्राहक एड्रयूज एक अमीर कार डीलर के यहाँ नौकरी दिलाने में मदद करती है और जोश एड्रयूज के लिए एक अंगरक्षक के रूप में काम करता है। जोश इंदुलेखा को उसके परिवार से फिर से मिलाने में कामयाब हो जाता है। इसी बीच जेरी को उसकी सहकर्मी सितारा द्वारा सूचित किया जाता है कि बैंक के एक अनाम व्यक्ति ने जेरी के पासकी का उपयोग करके अन्य लोगों के नाम से पंजीकृत निष्क्रिय खातों में बड़ी मात्रा में धन हस्तांतरित किया था। जेरी सितारा के साथ जांच शुरू करता है जहां उसे घोटाले के पीछे से असली मास्टरमाइंड के बारे में पता चलता है। वेत्रिवेल सन्मुगम सुंदरम एक क्रूर और करिश्माई किंग मेकर जो सत्तारूढ़ पार्टी के विधायकों को उनकी वफादारी बदलने के लिए धन मुहैया कराने के लिए बैंकिंग प्रणाली में हेरफेर कर रहा है। दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी टर्बो मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टर्बो मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 23 मई 2024 में रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी टर्बो, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। इस मूवी का प्रीमियम दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों वीएसक, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं अपन मूवी की रेटिंग के बारे में, तो मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 6 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने मूवी को 58% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने तो दोस्तों इस मूवी को 70% तक लाइक किया है, तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आप दोस्तों मूवी के रेटिंग रिस्पॉन्स से अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और दोस्तों इस मूवी को पब्लिक और क्रिएटिव्स की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है, तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में, मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अंजना जयप्रकाश, मामूटी, राजवी सेट्टी, विजय सेतुपति, बिंदु पणिकर, प्रशांत, निरंजना, अमीना निजाम, कबीर दुहैन सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं, तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 42 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म में सोनी लिव के ऊपर देखने को मिलने वाली है।
जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। ये मूवी आपको सोनी लिव के ऊपर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को सोनी लिव के ऊपर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरीके लगी। तो दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों, मूवी की कहानी शुरू होती है इडुक्की का एक जीप चालक अरुवी पुरुथु जोश उर्फ टर्बो जोश, जिसे झगड़ों में उलझने की आदत है, को पता चलता है कि उसके सबसे अच्छे दोस्त जेरी को चेन्नई में एक बैंक मैनेजर है, पर उसकी प्रेमिका इंदुलेखा के परिवार द्वारा भेजे गए गुंडों ने हमला किया था, जो एक अलग बैंक की बैंक मैनेजर भी है। जोश इंदुलेखा के घर पहुँचता है और उसकी सगाई रोक देता है, जहाँ वे इंदुलेखा को जेरी के घर ले जाता है। हालांकि जेरी अपने परिवार से डर के इंदुलेखा को स्वीकार करने से इनकार कर देता है और इंदुलेखा अपनी नौकरी के लिए चेन्नई चली जाती है। जोश को पता चलता है कि इंदुलेखा के परिवार ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद वे चेन्नई चला जाता है और उसे घर वापस आने के लिए मनाता है। हालांकि जोश को पता चलता है कि उसे जेल हो जाएगी, लेकिन वे चेन्नई में ही रहने का फैसला करता है। जोश के अनुरोध पर इंदुलेखा उसे अपने ग्राहक एड्रूज, एक अमीर कार डीलर के यहाँ नौकरी दिलाने में मदद करती है और जोश एड्रूज के लिए एक अंगरक्षक के रूप में काम करता है। जोश इंदुलेखा को उसके परिवार से फिर से मिलाने में कामयाब हो जाता है। इसी बीच जेरी को उसकी सहकर्मी सितारा द्वारा सूचित किया जाता है कि बैंक के एक अनाम व्यक्ति ने जेरी के पासकी का उपयोग करके अन्य लोगों के नाम से पंजीकृत निष्क्रिय खातों में बड़ी मात्रा में धन हस्तांतरित किया था। जेरी सितारा के साथ जांच शुरू करता है, जहां उसे घोटाले के पीछे से असली मास्टरमाइंड के बारे में पता चलता है। वेत्रिवेल सन्मुगम सुंदरम, एक क्रूर और करिश्माई किंग मेकर, जो सत्तारूढ़ पार्टी के विधायकों को उनकी वफादारी बदलने के लिए धन मुहैया कराने के लिए बैंकिंग प्रणाली में हेरफेर कर रहा है। दोस्तों, मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी टर्बो मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टर्बो मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 23 मई 2024 में रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी टर्बो, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। इस मूवी का प्रीमियम दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों वीएसक, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं अपन मूवी की रेटिंग के बारे में। तो मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 6 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने मूवी को 58% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने तो दोस्तों इस मूवी को 70% तक लाइक किया है।
तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आप दोस्तों मूवी के रेटिंग रिस्पॉन्स से अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और दोस्तों इस मूवी को पब्लिक और क्रिएटिव्स की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है, तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अंजना जयप्रकाश, मामूटी, राजवी सेट्टी, विजय सेतुपति, बिंदु पणिकर, प्रशांत निरंजना, अमीना निजाम, कबीर दुहैन सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 42 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म में सोनी लिव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको सोनी लिव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को सोनी लिव के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी। तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है इडुक्की का एक जीप चालक अरुवी पुरुथु जोश उर्फ टर्बो जोश, जिसे झगड़ों में उलझने की आदत है, को पता चलता है कि उसके सबसे अच्छे दोस्त जेरी को चेन्नई में एक बैंक मैनेजर है, पर उसकी प्रेमिका इंदुलेखा के परिवार द्वारा भेजे गए गुंडों ने हमला किया था, जो एक अलग बैंक की बैंक मैनेजर भी है। जोश इंदुलेखा के घर पहुंचता है और उसकी सगाई रोक देता है, जहाँ वे इंदुलेखा को जेरी के घर ले जाता है। हालांकि जेरी अपने परिवार से डर के इंदुलेखा को स्वीकार करने से इनकार कर देता है और इंदुलेखा अपनी नौकरी के लिए चेन्नई चली जाती है। जोश को पता चलता है कि इंदुलेखा के परिवार ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद वे चेन्नई चला जाता है और उसे घर वापस आने के लिए मनाता है। हालांकि जोश को पता चलता है कि उसे जेल हो जाएगी, लेकिन वे चेन्नई में ही रहने का फैसला करता है। जोश के अनुरोध पर इंदुलेखा उसे अपने ग्राहक एड्रूज, एक अमीर कार डीलर के यहाँ नौकरी दिलाने में मदद करती है और जोश एड्रूज के लिए एक अंगरक्षक के रूप में काम करता है। जोश इंदुलेखा को उसके परिवार से फिर से मिलाने में कामयाब हो जाता है। इसी बीच जेरी को उसकी सहकर्मी सितारा द्वारा सूचित किया जाता है कि बैंक के एक अनाम व्यक्ति ने जेरी के पासकी का उपयोग करके अन्य लोगों के नाम से पंजीकृत निष्क्रिय खातों में बड़ी मात्रा में धन हस्तांतरित किया था। जेरी सितारा के साथ जांच शुरू करता है, जहां उसे घोटाले के पीछे से असली मास्टरमाइंड के बारे में पता चलता है। वेत्रिवेल सन्मुगम सुंदरम, एक क्रूर और करिश्माई किंग मेकर, जो सत्तारूढ़ पार्टी के विधायकों को उनकी वफादारी बदलने के लिए धन मुहैया कराने के लिए बैंकिंग प्रणाली में हेरफेर कर रहा है। दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।
दोस्तों अगर आप भी टर्बो मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टर्बो मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजिम से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 23 मई 2024 में रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी टर्बो, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। इस मूवी का प्रीमियम दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों VSK, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं अपन मूवी की रेटिंग के बारे में। तो मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 6 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोज ने मूवी को 58% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने तो दोस्तों इस मूवी को 70% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आप दोस्तों मूवी के रेटिंग रेस्पॉन्स से अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और दोस्तों इस मूवी को पब्लिक और क्रिएटिव्स की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है, तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अंजना जयप्रकाश, मामूटी, राजवी सेट्टी, विजय सेतुपति, बिंदु पणिकर, प्रशांत, निरंजना, अमीना निजाम, कबीर दुहैन सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 42 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म में सोनी लिव के ऊपर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको सोनी लिव के ऊपर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को सोनी लिव के ऊपर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी। तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है इडुक्की का एक जीप चालक अरुवी पुरुथु जोश उर्फ टर्बो जोश, जिसे झगड़ों में उलझने की आदत है, को पता चलता है कि उसके सबसे अच्छे दोस्त जेरी को चेन्नई में एक बैंक मैनेजर है, पर उसकी प्रेमिका इंदुलेखा के परिवार द्वारा भेजे गए गुंडों ने हमला किया था, जो एक अलग बैंक की बैंक मैनेजर भी है। जोश इंदुलेखा के घर पहुँचता है और उसकी सगाई रोक देता है, जहाँ वे इंदुलेखा को जेरी के घर ले जाता है। हालांकि जेरी अपने परिवार से डर के इंदुलेखा को स्वीकार करने से इनकार कर देता है और इंदुलेखा अपनी नौकरी के लिए चेन्नई चली जाती है। जोश को पता चलता है कि इंदुलेखा के परिवार ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद वे चेन्नई चला जाता है और उसे घर वापस आने के लिए मनाता है। हालांकि जोश को पता चलता है कि उसे जेल हो जाएगी, लेकिन वे चेन्नई में ही रहने का फैसला करता है।
जोश के अनुरोध पर इंदुलेखा उसे अपने ग्राहक एड्रूज एक अमीर कार डीलर के यहाँ नौकरी दिलाने में मदद करती है और जोश एड्रूज के लिए एक अंगरक्षक के रूप में काम करता है। जोश इंदुलेखा को उसके परिवार से फिर से मिलाने में कामयाब हो जाता है। इसी बीच जेरी को उसकी सहकर्मी सितारा द्वारा सूचित किया जाता है कि बैंक के एक अनाम व्यक्ति ने जेरी के पासकी का उपयोग करके अन्य लोगों के नाम से पंजीकृत निष्क्रिय खातों में बड़ी मात्रा में धन हस्तांतरित किया था। जेरी सितारा के साथ जांच शुरू करता है जहां उसे घोटाले के पीछे से असली मास्टरमाइंड के बारे में पता चलता है। वेत्रिवेल सन्मुगम सुंदरम एक क्रूर और करिश्माई किंग मेकर जो सत्तारूढ़ पार्टी के विधायकों को उनकी वफादारी बदलने के लिए धन मुहैया कराने के लिए बैंकिंग प्रणाली में हेरफेर कर रहा है। दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी एकदम इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी टर्बो मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टर्बो मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 23 मई 2024 में रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी टर्बो, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। इस मूवी का प्रीमियम दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों वीएसक, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं अपन मूवी की रेटिंग के बारे में, तो मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 6 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने मूवी को 58% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने तो दोस्तों इस मूवी को 70% तक लाइक किया है, तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आप दोस्तों मूवी के रेटिंग रिस्पॉन्स से अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और दोस्तों इस मूवी को पब्लिक और क्रिएटिव्स की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है, तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में, मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अंजना जयप्रकाश, मामूटी, राजवी सेट्टी, विजय सेतुपति, बिंदु पणिकर, प्रशांत, निरंजना, अमीना निजाम, कबीर दुहैन सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं, तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 42 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म में सोनी लिव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है,
जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको सोनी लिव के ऊपर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को सोनी लिव के ऊपर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरीके लगी। तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है इडुक्की का एक जीप चालक अरुवी पुरुथु जोश उर्फ टर्बो जोश, जिसे झगड़ों में उलझने की आदत है, को पता चलता है कि उसके सबसे अच्छे दोस्त जेरी को चेन्नई में एक बैंक मैनेजर है, पर उसकी प्रेमिका इंदुलेखा के परिवार द्वारा भेजे गए गुंडों ने हमला किया था, जो एक अलग बैंक की बैंक मैनेजर भी है। जोश इंदुलेखा के घर पहुंचता है और उसकी सगाई रोक देता है, जहाँ वे इंदुलेखा को जेरी के घर ले जाता है। हालांकि जेरी अपने परिवार से डर के इंदुलेखा को स्वीकार करने से इनकार कर देता है और इंदुलेखा अपनी नौकरी के लिए चेन्नई चली जाती है। जोश को पता चलता है कि इंदुलेखा के परिवार ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद वे चेन्नई चला जाता है और उसे घर वापस आने के लिए मनाता है। हालांकि जोश को पता चलता है कि उसे जेल हो जाएगी, लेकिन वे चेन्नई में ही रहने का फैसला करता है। जोश के अनुरोध पर इंदुलेखा उसे अपने ग्राहक एड्रूज, एक अमीर कार डीलर के यहाँ नौकरी दिलाने में मदद करती है और जोश एड्रूज के लिए एक अंगरक्षक के रूप में काम करता है। जोश इंदुलेखा को उसके परिवार से फिर से मिलाने में कामयाब हो जाता है। इसी बीच जेरी को उसकी सहकर्मी सितारा द्वारा सूचित किया जाता है कि बैंक के एक अनाम व्यक्ति ने जेरी के पासकी का उपयोग करके अन्य लोगों के नाम से पंजीकृत निष्क्रिय खातों में बड़ी मात्रा में धन हस्तांतरित किया था। जेरी सितारा के साथ जांच शुरू करता है, जहां उसे घोटाले के पीछे से असली मास्टरमाइंड के बारे में पता चलता है। वेत्रिवेल सन्मुगम सुंदरम, एक क्रूर और करिश्माई किंग मेकर, जो सत्तारूढ़ पार्टी के विधायकों को उनकी वफादारी बदलने के लिए धन मुहैया कराने के लिए बैंकिंग प्रणाली में हेरफेर कर रहा है। दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी टर्बो मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टर्बो मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 23 मई 2024 में रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी टर्बो, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। इस मूवी का प्रीमियम दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों वीएसक, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं अपन मूवी की रेटिंग के बारे में, तो मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 6 की रेटिंग दी गई है, एंड रोटेन टोमेटोस ने मूवी को 58% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने तो दोस्तों इस मूवी को
70% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आप दोस्तों मूवी के रेटिंग रेस्पॉन्स से अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और दोस्तों इस मूवी को पब्लिक और क्रिएटिव्स की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है, तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अंजना जयप्रकाश, मामूटी, राजवी सेट्टी, विजय सेतुपति, बिंदु पणिकर, प्रशांत, निरंजना, अमीना निजाम, कबीर दुहैन सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 42 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म में सोनी लिव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको सोनी लिव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को सोनी लिव के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरीके लगी। तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है इडुक्की का एक जीप चालक अरुवी पुरथु जोश उर्फ टर्बो जोश, जिसे झगड़ों में उलझने की आदत है, को पता चलता है कि उसके सबसे अच्छे दोस्त जेरी को चेन्नई में एक बैंक मैनेजर है, पर उसकी प्रेमिका इंदुलेखा के परिवार द्वारा भेजे गए गुंडों ने हमला किया था, जो एक अलग बैंक की बैंक मैनेजर भी है। जोश इंदुलेखा के घर पहुंचता है और उसकी सगाई रोक देता है, जहाँ वे इंदुलेखा को जेरी के घर ले जाता है। हालांकि जेरी अपने परिवार से डर के इंदुलेखा को स्वीकार करने से इनकार कर देता है और इंदुलेखा अपनी नौकरी के लिए चेन्नई चली जाती है। जोश को पता चलता है कि इंदुलेखा के परिवार ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद वे चेन्नई चला जाता है और उसे घर वापस आने के लिए मनाता है। हालांकि जोश को पता चलता है कि उसे जेल हो जाएगी, लेकिन वे चेन्नई में ही रहने का फैसला करता है। जोश के अनुरोध पर इंदुलेखा उसे अपने ग्राहक एड्रूज, एक अमीर कार डीलर के यहाँ नौकरी दिलाने में मदद करती है और जोश एड्रूज के लिए एक अंगरक्षक के रूप में काम करता है। जोश इंदुलेखा को उसके परिवार से फिर से मिलाने में कामयाब हो जाता है। इसी बीच जेरी को उसकी सहकर्मी सितारा द्वारा सूचित किया जाता है कि बैंक के एक अनाम व्यक्ति ने जेरी के पासकी का उपयोग करके अन्य लोगों के नाम से पंजीकृत निष्क्रिय खातों में बड़ी मात्रा में धन हस्तांतरित किया था। जेरी सितारा के साथ जांच शुरू करता है, जहां उसे घोटाले के पीछे से असली मास्टरमाइंड के बारे में पता चलता है। वेत्रिवेल सन्मुगम सुंदरम, एक क्रूर और करिश्माई किंग मेकर, जो सत्तारूढ़ पार्टी के विधायकों को उनकी वफादारी बदलने के लिए धन मुहैया कराने के लिए बैंकिंग प्रणाली में हेरफेर कर रहा है। दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।
दोस्तों अगर आप भी टर्बो मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टर्बो मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 23 मई 2024 में रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी टर्बो, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। इस मूवी का प्रीमियम दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों VFX, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं अपन मूवी की रेटिंग के बारे में। तो मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 6 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने मूवी को 58% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने तो दोस्तों इस मूवी को 70% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आप दोस्तों मूवी के रेटिंग रेस्पॉन्स से अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और दोस्तों इस मूवी को पब्लिक और क्रिएटिव्स की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है, तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अंजना जयप्रकाश, मामूटी, राजवी सेट्टी, विजय सेतुपति, बिंदु पणिकर, प्रशांत, निरंजना, अमीना निजाम, कबीर दुहैन सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 42 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म में सोनी लिव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको सोनी लिव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को सोनी लिव के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरीके की लगी। तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है इडुक्की का एक जीप चालक अरुवी पुरथु जोश उर्फ टर्बो जोश, जिसे झगड़ों में उलझने की आदत है, को पता चलता है कि उसके सबसे अच्छे दोस्त जेरी को चेन्नई में एक बैंक मैनेजर है, पर उसकी प्रेमिका इंदुलेखा के परिवार द्वारा भेजे गए गुंडों ने हमला किया था, जो एक अलग बैंक की बैंक मैनेजर भी है। जोश इंदुलेखा के घर पहुँचता है और उसकी सगाई रोक देता है, जहाँ वे इंदुलेखा को जेरी के घर ले जाता है। हालांकि जेरी अपने परिवार से डर के इंदुलेखा को स्वीकार करने से इनकार कर देता है और इंदुलेखा अपनी नौकरी के लिए चेन्नई चली जाती है। जोश को पता चलता है कि इंदुलेखा के परिवार ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद वे चेन्नई चला जाता है और उसे घर वापस आने के लिए मनाता है। हालांकि जोश को पता चलता है कि उसे जेल हो जाएगी, लेकिन वे चेन्नई में ही रहने का फैसला करता है।
जोश के अनुरोध पर इंदुलेखा उसे अपने ग्राहक एड्रयूज एक अमीर कार डीलर के यहाँ नौकरी दिलाने में मदद करती है और जोश एड्रयूज के लिए एक अंगरक्षक के रूप में काम करता है। जोश इंदुलेखा को उसके परिवार से फिर से मिलाने में कामयाब हो जाता है। इसी बीच जेरी को उसकी सहकर्मी सितारा द्वारा सूचित किया जाता है कि बैंक के एक अनाम व्यक्ति ने जेरी के पासकी का उपयोग करके अन्य लोगों के नाम से पंजीकृत निष्क्रिय खातों में बड़ी मात्रा में धन हस्तांतरित किया था। जेरी सितारा के साथ जांच शुरू करता है जहां उसे घोटाले के पीछे से असली मास्टरमाइंड के बारे में पता चलता है। वेत्रीवेल सन्मुगम सुंदरम एक क्रूर और करिश्माई किंग मेकर जो सत्तारूढ़ पार्टी के विधायकों को उनकी वफादारी बदलने के लिए धन मुहैया कराने के लिए बैंकिंग प्रणाली में हेरफेर कर रहा है। दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी टर्बो मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टर्बो मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 23 मई 2024 में रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी टर्बो, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। इस मूवी का प्रीमियम दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों वीएसक, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं अपन मूवी की रेटिंग के बारे में, तो मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 6 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने मूवी को 58% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने तो दोस्तों इस मूवी को 70% तक लाइक किया है, तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आप दोस्तों मूवी के रेटिंग रिस्पॉन्स से अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और दोस्तों इस मूवी को पब्लिक और क्रिएटिव्स की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है, तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में, मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अंजना जयप्रकाश, मामूटी, राजवी सेट्टी, विजय सेतुपति, बिंदु पणिकर, प्रशांत, निरंजना, अमीना निजाम, कबीर दुहैन सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं, तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 42 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म में सोनी लिव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको सोनी लिव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है।
आप इस मूवी को सोनी लिव के ऊपर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरीके की लगी। तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है इडुक्की का एक जीप चालक अरुवी पुरुथु जोश उर्फ टर्बो जोश, जिसे झगड़ों में उलझने की आदत है, को पता चलता है कि उसके सबसे अच्छे दोस्त जेरी को चेन्नई में एक बैंक मैनेजर है, पर उसकी प्रेमिका इंदुलेखा के परिवार द्वारा भेजे गए गुंडों ने हमला किया था, जो एक अलग बैंक की बैंक मैनेजर भी है। जोश इंदुलेखा के घर पहुँचता है और उसकी सगाई रोक देता है, जहाँ वे इंदुलेखा को जेरी के घर ले जाता है। हालांकि जेरी अपने परिवार से डर के इंदुलेखा को स्वीकार करने से इनकार कर देता है और इंदुलेखा अपनी नौकरी के लिए चेन्नई चली जाती है। जोश को पता चलता है कि इंदुलेखा के परिवार ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद वे चेन्नई चला जाता है और उसे घर वापस आने के लिए मनाता है। हालांकि जोश को पता चलता है कि उसे जेल हो जाएगी, लेकिन वे चेन्नई में ही रहने का फैसला करता है। जोश के अनुरोध पर इंदुलेखा उसे अपने ग्राहक एड्रयूज एक अमीर कार डीलर के यहाँ नौकरी दिलाने में मदद करती है और जोश एड्रयूज के लिए एक अंगरक्षक के रूप में काम करता है। जोश इंदुलेखा को उसके परिवार से फिर से मिलाने में कामयाब हो जाता है। इसी बीच जेरी को उसकी सहकर्मी सितारा द्वारा सूचित किया जाता है कि बैंक के एक अनाम व्यक्ति ने जेरी के पासकी का उपयोग करके अन्य लोगों के नाम से पंजीकृत निष्क्रिय खातों में बड़ी मात्रा में धन हस्तांतरित किया था। जेरी सितारा के साथ जांच शुरू करता है, जहां उसे घोटाले के पीछे से असली मास्टरमाइंड के बारे में पता चलता है। वेत्रिवेल सन्मुगम सुंदरम एक क्रूर और करिश्माई किंग मेकर, जो सत्तारूढ़ पार्टी के विधायकों को उनकी वफादारी बदलने के लिए धन मुहैया कराने के लिए बैंकिंग प्रणाली में हेरफेर कर रहा है। दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।